गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और इस चैप्टर में आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगी वो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, एलोट्रोप। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं। तो देखिए, एलोट्रोप का मतलब ये होता है कि जब भी कोई एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन अ सेम फिजिकल स्टेट, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ द एलिमेंट, यानी उस एलिमेंट का एलोट्रोप बोलते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया, डोंट वरी, हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास है कार्बन एटम, कार्बन एटम, और कार्बन से मिलकर बना है डायमंड, और कार्बन से ही बना है ग्रेफाइट, और कार्बन से ही बना है फुलरेन। लेकिन तीनों क्या है, तीनों आपस में अलग हैं। तो यहां पर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि कार्बन से ही बने हैं तीनों, लेकिन तीनों आपस में अलग हैं। मतलब एक ही एलिमेंट है जो तीन चीजों को बना रहा है, जो तीन चीजें आपके सामने हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेन, लेकिन वो क्या है, वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एलोट्रोप का मतलब क्या है कि जब भी कोई एलिमेंट दो या दो से ज्यादा फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है इन अ सेम फिजिकल स्टेट नोन एज एलोट्रोप ऑफ द एलिमेंट। तो आपको ये चीज क्लियर हुई कि यहाँ पे एलोट्रोप का मतलब क्या है। जैसे कार्बन से ये तीनों मिलकर के बने हैं, लेकिन ये तीनों आपस में डिफरेंट हैं, इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। तो ये चीज हमें क्या बताती है कि ये कार्बन के ही एलोट्रोप है, क्योंकि ये तीनों कार्बन से ही मिलकर के बने हैं। क्लियर? अब मैं आपको एलोट्रोप की डेफिनेशन नोट करा देती हूँ। देखिए डेफिनेशन क्या है, व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इन अ सेम फिजिकल स्टेट नोन एज एलोट्रोप ऑफ द एलिमेंट। तो ये थी एलोट्रोप की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि जो कार्बन के एलोट्रोप्स है, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरेन, इन तीनों के बारे में हम अलग अलग स्टडी करेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे कि डायमंड कैसे बना हुआ है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, कैसा स्ट्रक्चर है उसका, और उसका स्ट्रक्चर को भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा हम उसके यूजेस को भी पढ़ेंगे। क्लियर? तो फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हमें किस किस के बारे में डिस्कस करना है, डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में एंड फुलरेन के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायमंड के बारे में। तो देखिए डायमंड का स्ट्रक्चर आप साइड में देख सकते हैं, आपको डायमंड का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है वो 3D स्ट्रक्चर होती है। सेकेंड, यहाँ पे जो पॉइंट है हमें पढ़ना है वो क्या है कि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर हर एक कार्बन, यानी एक कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो एक कार्बन चार कार्बन एटम से जुड़ा है। इस स्ट्रक्चर में आप क्या चीज नोटिस कर रहे हैं, वन कार्बन एटम अटैच टू फोर कार्बन एटम्स, यानी एक कार्बन चार कार्बन एटम से जुड़ा है। इस स्ट्रक्चर में क्या है, वन कार्बन अटैच टू फोर कार्बन एटम्स, यानी एक कार्बन फोर कार्बन एटम से अटैच है। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ हमारा कि एक कार्बन फोर कार्बन से अटैच है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर मैं इस स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे ईच कार्बन, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इज sp3। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। जो डायमंड है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। डायमंड कैसा होता है, हार्ड होता है, ये चीज तो आपको पता ही है। नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है कि जो डायमंड है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपको क्या डालना है कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, तो पुअर कंडक्टर ऑफ अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसकी हाई डेंसिटी होती है। डायमंड की डेंसिटी कैसी होती है, हाई डेंसिटी होती है, और इसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। हम बात करेंगे डायमंड के यूजेस के बारे में, तो आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए।
अब बात करते हैं हम डायमंड के यूजेस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है कि डायमंड का यूज ज्वेलरी में किया जाता है, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? इन ज्वेलरी। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो डायमंड का यूज जो ऑडियो इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करने में किया जाता है। डायमंड का यूज टू इम्प्रूव साउंड क्वालिटी, टू इम्प्रूव साउंड क्वालिटी इन ऑडियो इक्विपमेंट्स। थर्ड, अगर हम इसके यूज की बात करें तो इसका यूज इंडस्ट्रीज में किया जाता है, इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। फोर्थ, अगर हम इसके यूज की बात करें तो डायमंड डस्ट जो होती है उसका यूज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाता है। डायमंड डस्ट का यूज, डायमंड डस्ट यूज्ड इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। डायमंड डस्ट का यूज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाता है। तो ये बात थी डायमंड के बारे में कि उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है या फिर पुअर कंडक्टर होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और उसके यूजेस क्या क्या हैं। तो आज हमने डायमंड के बारे में इस वीडियो में पढ़ा कि डायमंड क्या है, कार्बन का एक एलोट्रोप है और उसके बारे में हमने कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, देन उसके यूजेस को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।